in the online class of Disha Degree College. मैं दिशा डिग्री कॉलेज के से प्रेजेंट कर रहा हूँ. आप सभी का स्वागत करता हूँ दिशा डिग्री कॉलेज के ऑनलाइन क्लास के अंदर. मेरा नाम है लोचन जोशी, मैं यहाँ पे व्याख्याता हूँ. टुडे वी विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू जीडीटीयू सिलेबस विच बुक्स विल स्टडी इन ऑल इंग्लिश लिटरेचर. वी स्टार्ट लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस. As you are seeing in my PPT presentation, will you have two types of question papers inside your syllabus? जैसे कि आप मेरे स्क्रीन को देख रहे हैं, इस स्क्रीन के अंदर आप के सामने दो तरह के पेपर्स होंगे. उन पेपरों में कौन कौन सी बुक्स है इसका मैं डिस्कशन आपको करूँगा. जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो पहली बुक है, द फर्स्ट बुक इन दिस पेपर इज टाइटल इज एज यू लाइक इट. And the second book is name of the poet's pain, and third one is the grammar. Grammar portion is here, some topics of grammars which we will discuss in our class. ये तीन तरह की किताब है जिसमें पहली है जो एज यू लाइक इट एक ड्रामा है, पोएट्स पेन है कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, और तीसरा जो टॉपिक है उस ग्रामर है. ग्रामर के कुछ टॉपिक्स हैं जो अपन मैं आगे इसका विस्तार से वर्णन करूँगा. Now see the second paper, the book which is the first book in the Art of Essayist. The second book is the Spectrum and the third book is the Novel of the Blue Umbrella. ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि द आर्ट ऑफ एसेस्ट द आर्ट ऑफ एसेस्ट जो बुक है ये एक नॉवेल है, सॉरी एक एसेज की बुक है. इसमें करीबन छः एसेज का कलेक्शन है. स्पेक्ट्रम है जो शॉर्ट स्टोरी छोटी कहानियों का संग्रह है. इसमें करीबन पांच कहानियां हैं. और अंतिम जो बुक है द ब्लू अम्ब्रेला, ये एक इंडियन राइटर का नॉवेल है. काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में काफ़ी मजा आएगा. लेट अस नाउ सी, नाउ वी स्टार्ट अरे डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. बात करते हैं हम पहले प्रश्न पत्र की इंग्लिश लिटरेचर के, कि विस्तार से वर्णन करते हैं कि कौन सी बुक में क्या क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट वी स्टार्ट एज यू लाइक इट जो है वो लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा. ये ड्रामा है. ड्रामा भी करीबन दो तरह के होते हैं, एक ट्रेजेडी और कॉमेडी ड्रामा. जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ड्रामा का, विलियम शेक्सपियर के द्वारा करीबन 37 ड्रामा लिखे गए हैं और बहुत फेमस है. मैं अगर ये कहूँ कि विलियम शेक्सपियर जिन्होंने करीबन 37 ड्रामा लिखे हैं और उनके बिना इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री का जिक्र करना, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में सुनना के कहना काफ़ी अधूरा सा रहेगा. और मोस्ट ऑफ जो पर्सन जो लोग जो इंग्लिश लिटरेचर के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन उनके मुंह पे विलियम शेक्सपियर का नाम सबसे ऊपर 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 रहता है. सबसे पहले वो जाने या नहीं जाने, लेकिन विलियम शेक्सपियर को जरूर जानते हैं. तो काफ़ी फेमस ये राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, पोएट हैं. इनको जितना कहें उतना कम रहेगा. जो सेकंड बुक है की है पोएट्स पेन. इस पोएट्स पेन बुक के अंदर करीबन 11 पोएम का कलेक्शन है. इसमें जो पहली जो पोएम है विलियम शेक्सपियर की, द पहली जो पोएम है वेंडर्स द स्टेशंस, और दूसरी है लाइक एज द व्हील्स. बोथ आर द पोएम्स आर सोनेट. पोएम के अंदर एक अलग अलग तरह के वर्जन होते हैं, जिसमें से ये जो वर्स है वो सोनेट है. सोनेट जो होती है जो 40 लाइन्स पोएम होती है, काफ़ी पॉपुलर सोनेट्स हैं. बट द स्टेशन लाइक इज द वेव्स काफ़ी अच्छी हैं, अच्छे से समझाया गया है. तो वेन वी मीट इन द क्लास, जब हम क्लासों में मिलेंगे तो अब हम इसको डिटेल स्टडी इसकी करेंगे. और सेकंड पोएम जॉन मिल्टन की है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये भी काफ़ी अच्छी पोएम है और इसको भी हम विस्तार से वर्णन करेंगे. नेक्स्ट पोएम इज द अलेक्जेंडर पोप. न्यू क्लासिकल एज के ये पोएट हैं फ्रॉम एसे ऑन मैन. उनकी ये पोएम इसमें शामिल की गई है सिलेबस के अंदर. फोर्थ वन इज विलियम ब्लैक की द टाइगर पोएम है, वन ऑफ माई फेवरेट पोएम्स. काफ़ी
फेमस पॉपुलर और काफ़ी मेरी मेरी का भी पसंदीदा पोएम है। इसके कुछ लाइनें हैं, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, काफ़ी अच्छी पोएम है। फिफ्थ वन इज द विलियम कूपर ऑन द स्ट्रीट ऑफ मदर्स पिक्चर, ये जो पोएम है ये भी काफ़ी लंबी है लेकिन काफ़ी अच्छी पोएम है। और एक माँ बेटे का संबंध, रिलेशन बिटवीन मदर एंड सन के बारे में बताया गया है कि एक बालक है, एक छोटा सा चाइल्ड है, करीबन 6 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, और 52 साल के बाद में जब अपनी माँ की पिक्चर वो देखता है तो उस पिक्चर को देख करके उसके मन में क्या फीलिंग आती है वो ये इस पोएम के माध्यम से कहता है। नेक्स्ट पोएम इज द विलियम वर्ड्सवर्थ, शी वाज फैंटम ऑफ डिलाइट। सेवन वन इज पी बी शेली, द क्लाउड। काफ़ी पी बी शेली की भी काफ़ी अच्छी पोएम है द क्लाउड, काफ़ी रियलिस्टिक और नेचर से जुड़ी हुई पोएम है अगर मैं ये कहूँ तो। नेक्स्ट वन इज द अल्फ्रेड टेनिशन की जो पोएम है यूलिसिस, इसका नाम अल्फ्रेड टेनिशन के द्वारा लिखी यूलिसिस, काफ़ी अच्छी पोएम है ये भी। तो ये जो 8 पोएम्स जो हैं ये वेस्टर्न पोएट्स के ऊपर आधारित से जुड़ी हुई पोइट्री जो है वो इस आपके सिलेबस में शामिल की गई है। नंबर 9 हेनरी डेरोजियो, इनकी ये जो पोएम है सॉन्ग्स ऑफ इंडियन मिनिस्ट्रियर। हेनरी डेरोजियो जो है वो इंडियन पोएट है और पहले एंग्लो इंडियन पोएट हैं, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर एक एज अ प्रोफेसर भी काम कर चुके हैं। और इसके बाद में जो माइकल मधुसूदन दत्त की एक हिस्टोरिकल पोएम है किंग पोरस अ लेजेंड ऑफ ओल्ड, एंड लास्ट वन इज तरुण दत्त की पोएम है द लोटस। तरुण दत्त के बारे में अगर मैं कहूँ तो शी वॉज द यंगेस्ट पोएटेस जिनकी इनकी मृत्यु करीबन 17 साल की एज में हो चुकी थी, और ये काफ़ी अच्छी पोइटस थी 17 साल की एज में। जब आप और हम कॉलेज एजुकेशन के लेने के बारे में सोचते हैं, सब्जेक्ट्स के बारे में चुनते हैं, और ये तरुण जो है 17 साल की एज में करीब करीब ये पहुंच चुकी थी उस हाइट पे कि इन्होंने बियॉन्ड द लाइफ अलग जाकर के अपनी चीज़ों को सोचना शुरू कर दिया था। और एक 17 साल की उम्र में मृत्यु होना और इससे पहले की टाइम में इन सारी इस कलेक्शन का पोएम लॉट ऑफ पोएम के कलेक्शन का इन्होंने जिक्र किया था, अपनी अपनी चीज़ें लिख रही थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो पोर्शन है वो है हमारा ग्रामर पोर्शन। इस ग्रामर पोर्शन के अंदर मैं बात करूँ तो देर इज 3 टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज द बेसिक सेंटेंस पैटर्न, सेकंड वन इज द रिपोर्ट राइटिंग, एंड थर्ड वन इज द प्रोज एप्रिशिएशन। ये तीनों टॉपिक हैं जो थोड़े से हायर लेवल के हैं लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी जुड़ने वाले टॉपिक हैं। अगर इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ोगे तो आपकी ग्रामेटिकल जो नॉलेज है और लिटरेचर के प्रति थोड़ी सी जो अटैचमेंट है वो आपकी अच्छे से अच्छी बढ़ेगी। देखिए मैं अगर ये भी बताना चाहूँगा कि आप लिटरेचर सब्जेक्ट क्यों लें, सब्जेक्ट लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट आप ले करके आपका उसका आगे जो फर्दर करियर है वो करियर किस तरह से आपकी ग्रोथ करेगा, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। लेकिन नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सेकंड पेपर, देर आर द 3 बुक्स इन द नेक्स्ट पेपर। अगला जो पेपर है वो लिटरेचर का सेकंड पेपर है, उसके अंदर करीबन 3 किताबें आपके सिलेबस में शामिल हैं। इसमें जो पहली जो बुक है उसका नाम है द आर्ट ऑफ एसाइस्ट, सम ऑफ फेमस राइटर्स हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस बुक। कुछ अच्छी प्रसिद्ध लोकप्रिय राइटर्स को इस सिलेबस के अंदर शामिल किया गया है। द फर्स्ट वन विलियम बेकन ऑफ यूथ एंड एज, विलियम बेकन का ऑफ यूथ एंड एज ये जो ऐसे है वो आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। और ये जो ऐसे है एक अनुभवी व्यक्ति और एक नए ऊर्जावान जो न्यू जनरेशन है मॉडर्न जनरेशन है उसको किस तरह दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरह से हो, किस तरह से दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि अक्सर होता है, अक्सर ये देखा जाता है कि सोसाइटी के अंदर एक जो अनुभवी मतलब जो एज पीपल है, एज वाला जो मास है वो जो मॉडर्न मास है मतलब कि जो युवा है उसके साथ में उसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता है, कहीं ना कहीं किसी की बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर उनका मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। तो विलियम बेकर का ये जो ऑफ यूथ एंड एज ये जो ऐसे हैं
वो कहीं ना कहीं उस दिशा में ले जाता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस से बैठाया जाए। कहीं ना कहीं युवाओं को भी समझना पड़ेगा कि हमको हमारे अंदर क्या कमी है, क्या अच्छा ही है, और कहीं ना कहीं अनुभवी व्यक्ति जो एज वाले व्यक्ति हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या हमारे अंदर अच्छा ही है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ जाए तो आप नई ऊंचाइयों को अपने आप को ले जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है अपना तो ऐसे है, वो है रिजर्व डिस्ट्रिक्ट का डेस्पेरेटो क्लब। ये भी काफी अच्छा ऐसे है। इस पे 5-6 जो कैरेक्टर्स हैं उनके उनके लाइफ स्टाइल के बारे में बता रखा है, उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में बता रखा है, और काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वन इज द थॉमस एडिसन्स मेडिटेशन इन वेस्टमिंस्टर एबी। वेस्टमिंस्टर एबी लंदन के अंदर है और वहाँ का एक कब्रिस्तान है, उसके बारे में कुछ बता रखा है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट वन इज एवी ल्यूकस द थर्ड थर्ड थॉट, वन ऑफ माई फेवरेट एसे, मेरे अच्छे एसों में से एसेज में से अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है थर्ड थॉट, क्योंकि विचारों की शंका चलती है। जब व्यक्ति किन परिस्थितियों में फंसता है, फंसने के बाद में जब वो सोचता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि जो विचारों की जो श्रृंखला है वो पल 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 बदलती रहती है, तो एवी ल्यूकस का थर्ड थॉट हमको उस और सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तव में पहले क्या सोच रहे थे और अंत में उसका डिस्कशन आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ऐसे इज चेस्टरटन का है, ऑन द प्लेजर ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग का, ये भी काफी अच्छा इंटरेस्टिंग ऐसे है। और लास्ट वन इज द लिंड का है, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट ये जो ऐसे है वो हमको कहीं ना कहीं समझने का मौका देता है कि जो स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ स्टूडेंट जो लाइफ है वो किस तरह से उसके दिमाग में विचार चलते हैं। ये लीन अच्छे से इस अपना इस ऐसे के अंदर समझाते हैं कि वास्तव में एक स्टूडेंट जो है वास्तव में अपनी लाइफ से क्या चाहता है, क्या उसको अचीवमेंट करना है, कितना वो काबिल है, कितना नाकाबिल है, किस तरह की चीजें उसकी, किस तरह की सोच होती है, जैसे कि आप लोग भी कभी 12th पास आउट करने के बाद में जब कॉलेज के इस कॉलेज एजुकेशन के अंदर प्रवेश करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी आपके दिल दिमाग के अंदर नए नए विचार, नए नए भ्रांतियां, नई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वाली कुछ चीजें वो आपको समझते बोलेंगे, नए लोग टकराएंगे स्कूल लाइफ से छोड़कर जब कॉलेज लाइफ में आते हैं, तो वहाँ पे ये जो लीन का द स्टूडेंट जो ऐसे है वो आपकी कई तरीके से मदद भी करेगा कि वास्तव में आपकी सोच कैसी है, आपको किस तरीके से अनुसार बदलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बुक है वो है नेम्ड स्पेक्ट्रम। इट इज अ स्मॉल बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, छोटी कहानियों का एक संग्रह है स्पेक्ट्रम, और इसके अंदर करीबन 5 कहानियां हैं। जो फर्स्ट कहानी है, फर्स्ट स्टोरी इज चिन्नो अचिबे की मैरिज इज द प्राइवेट अफेयर, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको पढ़ने में काफी मजा आएगा, आनंद आएगा। नेक्स्ट वन इज द ओ हेनरी की द रैंसम ऑफ ब्रैड चीफ। नेक्स्ट वन इज द के अब्बास स्पेरो, वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज, काफ़ी अच्छी स्टोरी है अब्बास की, स्पेरो काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी आपको मज़ा आएगा, और साथ में एक लाइफ लेसन भी सिखा करके जाती है ये स्टोरी स्पेरो। नेक्स्ट स्टोरी है विलियम सोमरसेट मॉघम की द वर्जर, काफ़ी अच्छी स्टोरी है ये भी। तो इस तरह से ये शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन है स्पेक्ट्रम के अंदर, इसको आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर के सेकेंड पेपर में फर्स्ट ईयर की क्लास के अंदर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट बुक विच इज द नॉवल इज रस्किन बॉन्ड्स द ब्लू अम्ब्रेला। रस्किन बॉन्ड का अगर जो नॉवल है ब्लू अम्ब्रेला, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग नॉवल है, छोटा शॉर्ट नॉवल है। ये जो नॉवल है वो ये जो नॉवल है वो एक इंडियन राइटर है रस्किन बॉन्ड, आपको नाम पढ़कर तो थोड़ा सा लगेगा विदेशी राइटर है, विदेशी राइटर नहीं इंडियन राइटर है। ये जो नॉवल है काफ़ी पॉपुलर और फेमस नॉवल है। ये इस नॉवल के ऊपर आधारित एक मूवी बन चुकी है द ब्लू अम्ब्रेला, ये आसानी से यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं द ब्लू अम्ब्रेला। यू कैन वॉच एंड दिस के यू कैन ऑल्सो लर्न अबाउट द ब्लू अम्ब्रेला, इसको देखेंगे यूट्यूब पर तो आप इसके बारे में समझ पाएंगे कि वास्तव में इस ब्लू अम्ब्रेला के इस नॉवल के अंदर क्या किसी कहानी विद्या की कहानी है, किस तरह से। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इसके बारे में, क्लासरूम में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे पढ़ने में मज़ा आएगा अपने को भी। आगे बात करते हैं।
कुल मिलाकर के ये बात थी हमारे इस क्लासरूम सेशन की कि फर्स्ट पेपर इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के अंदर आप किस तरह से आप कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे सिलेबस से संबंधित सारी जानकारी आपको मैंने प्रदान कर दी है। हम मिलेंगे। अब मैं बात करना चाहूँगा अपने कॉलेज की, कॉलेज दिशा डिग्री कॉलेज के अंदर। आप दिशा डिग्री कॉलेज के अंदर आप हमसे संपर्क बनाए रखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमने ऑनलाइन गूगल फॉर्म जो है वो भी कर दिया है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरकर भी आपको हमारे कॉलेज के अंदर एडमिशन वगैरह ले सकते हैं। इसका लिंक भी साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए हमारे जो कॉलेज की वेबसाइट है www.disha.college.net उससे भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर भी अपनी जो क्वेरीज हमने जो जानकारी आपको कॉलेज के संबंधित चाहिए वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9636010403। आप हमको फेसबुक के ऊपर भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है दिशा कॉलेज 2017। आप फेसबुक के ऊपर हमें सर्च कर सकते हैं। द लास्ट वन इज आप इंस्टा पे, इंस्टाग्राम भी, क्योंकि हम भी टेक्निकल चीज़ों के साथ साथ में हम तकनीक के साथ में हम भी जुड़े हुए हैं। तो दिशा अंडरस्कोर कॉलेज अंडरस्कोर DPR से भी आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। साथ साथ में मैं भी बताना चाहूँगा कि डूंगरपुर के बिल्कुल पास में बैटिक भवन के बिल्कुल सामने हमारा कॉलेज से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी मुझसे जुड़े इस लाइव क्लास में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।